शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में 11 मुहर्रम अल हराम के हवाले से जुलूस निकाले गए। इस्लामाबाद शाह लदीता में भी शहदाए करबला और इमाम हुसैन की याद में मरकजी जुलूस निकाला गया, जिसमें सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जिसमें रेंजर, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अदारों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह शाह लदीता में इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस मौके पर जुलूस पे आए हुए मोमिनीन का होम एंटरटेनमेंट टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नवासे रसूल की अजीम कुर्बानियों ने इस्लाम का सर बुलंद कर दिया। मुहर्रम अल हराम यही करबला का याद में ये जुलूस है। यहाँ की रिवाज ये है कि मरकजी जुलूस 11 मुहर्रम को होता है बजाय अशूर के, वही करबला की याद में, शहदाए करबला की याद में यहाँ की रिवाज ये चली आई है कि 11 मुहर्रम का मरकजी जुलूस यहाँ होता है, तो उनकी शहदाए करबला की याद में है और शहदाए करबला की अजमत के सिलसिले में ये पैगाम उम्मत के लिए है। इस्लाम का जो बकाग है, हुसैनियत का पैगाम है और उनकी जुल्म सितम जो उन पे हुए हैं उनको जागर करना मुराद। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मतलब फ़िक्र के, एक फ़िरके के नहीं है, वो तमाम इंसानियत के लिए हैं। और मौला का जो पैगाम है करबला में वो ये है कि मुझ जैसा जो है ना वो यजीद जैसे कि मैत नहीं कर सकता, बैत नहीं कर सकता। ये आने वाले दौर के मसनता क़यामत के लिए एक पैगाम है कि कोई भी जब आपके सामने किरदार यजीद जैसा बंदा आए तो हुसैन जैसा उसकी हमायत नहीं कर सकता, उसकी बैत नहीं कर सकता। जो दीन थी, दीन इस्लाम थी, अल्लाह की दीन थी, उसको बचा लिया। और आज हम ये एहतजाज के तौर पर ये जुलूस मना रहे हैं और उसकी याद में यानी क़यामत तक, जब तक दुनिया रहती दुनिया रहेगी, हम ये जुलूस मनाते रहेंगे और हुसैन हुसैन करते रहेंगे। इस मौके पर डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी और सियासी और समाजी कायदीन ने भी शिरकत की। जुलूस के इख्तिताम पर अल्लामा वज़ीर काज़मी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, रसूल खुदा पैगाम आए खुदा जो इस एहतजाज के जरिया, इस जुलूस अज़ादारी के जरिया उम्मत मुस्लिमा को दिया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आलम इस्लाम उम्मत मुसलमा जो वक्त गुजरने के साथ साथ आलमी ताऊत ने, आलमी कुफर ने जिन्हें अंधेरे में रखा और ये हक का पैगाम उन तक वाजे नहीं होने दिया, आज ये शियान हैदर करार उम्मत मुसलमा का एक अजीम गुरोह बाकी अपने मुसलमान भाइयों के लिए, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए ये एहतजाज के जरिए ये पैगाम उन्हें पहुंचा रही है कि ये आज़ादारी, ये जुलूस, ये मातमदारी किसी मकसद फिक्र के खिलाफ नहीं, उम्मत मुसलमा के खिलाफ नहीं, बल्कि ये वो कुरान का पैगाम है, ये वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का पैगाम है, ये उनकी सीरत है और उसके जरिए पूरी उम्मत मुसलमा जिन तक ये पैगाम नहीं पहुँचा उनको बेदार किया जा रहा है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी खास मकसद फिक्र के इमाम नहीं, बल्कि वो मोहसिन इंसानियत है, पूरी कायनात के इमाम है। जुलूस के इख्तिताम पर शहदाए करबला की याद में सीना को भी और जंजीर जनी भी की गई। मुहर्रम अल हराम हमें इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। कैमरामैन सैयद जुनैद के साथ मोहम्मद अली ने की होम एंटरटेनमेंट, इस्लामाबाद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, दरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, अक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, अस्त।